1769 में कॉर्सिका के द्वीप फ्रेंच टेरिटरी बनने के बस एक साल बाद उनका परिवार छोटे जमींदारों का था, लेकिन वेल्थी नहीं थे। नेपोलियन बचपन से ही मिलिट्री हिस्ट्री और स्ट्रेटजी में बहुत दिलचस्पी रखते थे। इसी पैशन ने उन्हें मेनलैंड फ्रांस में मिलिट्री एजुकेशन के लिए प्रेरित किया। यंग नेपोलियन 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन ने मेरे जैसे एम्बिशियस युवाओं को अपॉर्चुनिटी दिया। मैंने अपनी टैक्टिकल ब्रिलियंस और नेचुरल लीडरशिप से फ्रेंच आर्मी में जल्दी ही तरक्की की। इटली में मेरी शुरुआती कैंपेन्स ने मुझे प्रसिद्धि दिलाई और एक ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट के रूप में मेरी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। नेपोलियन का कैरिज्मा और उनकी मिलिट्री सक्सेसेस ने उन्हें फ्रेंच लोगों के बीच बहुत पॉपुलर बना दिया। वो उन्हें एक हीरो के रूप में देखते थे जो वर्षों की अशांति के बाद फ्रांस में स्टेबिलिटी और ग्लोरी ला सकता था। उनकी ये पॉपुलैरिटी उनके पावर में आने में क्रूशल साबित होगी। इटालियन कैंपेन ने नेपोलियन की मिलिट्री जीनियस को शोकेस किया। उन्होंने बेहतरीन स्ट्रेटजी से ऑस्ट्रियंस को मात दी और लोडी और रिवोली जैसी बैटल्स में महत्वपूर्ण जीत हासिल की। 1797 में ट्रीटी ऑफ कैंपो फोर्मियो ने इस कैंपेन के अंत का प्रतीक किया, जिसमें फ्रांस को बहुत बड़ा टेरिटोरी मिला और नेपोलियन एक नेशनल हीरो बनकर उभरे। फ्रेंच रेवोल्यूशनरी, हालांकि नेपोलियन की एम्बिशंस यूरोप से परे तक फैली हुई थी, उन्होंने 1798 में इजिप्ट का एक्सपेडिशन लीड किया, जिससे वो ब्रिटिश ट्रेड रूट्स को इंडिया तक डिसरप्ट करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने लैंड पर शुरुआती विक्टोरीज जैसे कि बैटल ऑफ द पिरामिड्स हासिल की, लेकिन कैंपेन अल्टीमेटली असफल रही। एडमिरल नेल्सन के नेतृत्व में ब्रिटिश नेवी ने बैटल ऑफ द नाइल में फ्रेंच फ्लीट को नष्ट कर दिया, जिससे नेपोलियन की आर्मी इजिप्ट में फंस गई। इस सेटबैक के बावजूद नेपोलियन 1799 में फ्रांस वापस आए एक हीरो की तरह। उन्होंने कूप में पावर हासिल की, खुद को फर्स्ट कॉन्सुल घोषित किया और इफेक्टिवली फ्रेंच रेवोल्यूशन का अंत किया। फर्स्ट कॉन्सुल के रूप में नेपोलियन ने अपनी पावर को कंसोलिडेट किया और ऐसे रिफॉर्म शुरू किए जिसने फ्रांस को ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्होंने गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज किया, नेपोलियनिक कोड के साथ लीगल सिस्टम में सुधार किया और बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। इन रिफॉर्म्स का उद्देश्य वर्षों की क्रांति के बाद देश में स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी लाना था। नेपोलियन की एम्बिशंस सिर्फ फ्रांस के रिफॉर्मेशन से कहीं बड़ी थी। वो यूरोप के मैप को रीशेप करना चाहते थे। उन्होंने ऑस्ट्रिया के खिलाफ फिर से युद्ध छेड़ा, जिसका समावेश 1800 में बैटल ऑफ मरेंगो में एक डिसाइसिव विक्ट्री के साथ हुआ। इस जीत ने इटली पर उनके नियंत्रण को और मजबूत बनाया और एक मिलिट्री जीनियस के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और बढ़ाया। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रेंच का एम्परर घोषित किया, जो उनकी एब्सोल्यूट पावर और फर्स्ट फ्रेंच एम्पायर की स्थापना का प्रतीक था। उन्होंने अपने मिलिट्री कैंपेन्स को जारी रखा, ऑस्ट्रिया, प्रशा और रशिया के खिलाफ कई जीत हासिल की और कॉन्टिनेंटल यूरोप पर फ्रांस के डोमिनेंस को और मजबूत बनाया। जैसे जैसे कोलिशन फोर्सेस नजदीक आती है, नेपोलियन का कभी शक्तिशाली एम्पायर क्रम्बल होने लगता है। लगातार कैंपेन्स और बढ़ते लॉसेस अपना असर दिखाने लगते हैं, जो उनके रेन में एक टर्निंग पॉइंट का प्रतीक है। उनके डाउनफॉल के बावजूद नेपोलियन के इन्फ्लुएंस ने यूरोप को रिशेप किया। उनके लीगल रिफॉर्म्स, मिलिट्री स्ट्रेटजीज और मेरिटोक्रेसी के विचार ने हिस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी कहानी एम्बिशन की ऊंचाइयों और ह्यूमन रेजिलियंस की गहराइयों का एक प्रमाण है।